आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल सब्जी। जी हाँ, हम लोग ये बनाना फ्लावर का सब्जी बनाएंगे, इसे हम लोग मोचा भी कहते हैं। तो पहले तो इसको पील करना, ये थोड़ा बड़ा काम है, बट बिलीव मी सुपर टेस्टी और हेल्दी भी है। थोड़ा सा मेहनत है, बट एक डिफरेंट फ्लेवर लगता है, क्योंकि वही सारा सब्जी खा खा के आप बोर भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको एक एक फ्लावर निकालना है, और इसमें जो मेहनत का काम है, बीच में एक कड़ा सा रहता है, उसको निकालना ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैंने क्लियरली दिखाया है, बस वो जो कड़ा वाला पार्ट है वो आपको निकालना है। तो ऐसे करके आप सारा ये स्टेम जो है आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए, मैं क्लियरली दिखा रही हूँ, एक मोटा सा रहेगा, जब आप देखेंगे तो वो स्टेम जैसा रहता है, उसका फ्लैप रहता है। तो आप ऐसे निकाल के आपने ये सब कर लिया, और ये जो बीच का पार्ट रहेगा थोड़ा स्टिकी होता है, तो नाइफ और जो बोर्ड है आप सरसों तेल से ग्रीस करके छोटे छोटे काट लीजिएगा। यहाँ पे मेरा बेटा भी हेल्प कर रहा है। तो बस कटिंग के बाद हम लोग थोड़ा सा नमक और हल्दी वाले पानी में भिगा देंगे, ताकि ये काला ना पड़े और इसका जो भी लसलसापन है, जो भी कड़वाहट है, वो निकल जाता है, बिटरनेस निकल जाता है। तो आधा घंटा एक घंटा सोक करके हम लोग इसे छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा काला चना भी डाल रही हूँ, तो इसको पहले से भिगा दिया था। तो बस अब एक साथ सारा हम लोग इसे प्रेशर कुक करेंगे। ये हो गया है, तो कुकर में डालिए। और अगर आप पहले नमक नहीं डाले हैं तो आप नमक थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, बट सब कुछ हिसाब से डालना है कि किस किस स्टेज पर हम नमक डाल रहे हैं। तो ये आप 2-3 सीटी आराम से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, आपका एकदम सॉफ्ट और मशी होना चाहिए। और ये हम लोग हमेशा ही जब भी कुकर का करेंगे तो स्ट्रेन कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे सरसों तेल ले रही हूँ 1-2 टेबलस्पून, क्योंकि मैं इसी तेल में कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, और जब तेल एकदम धुआंदार गर्म हो जाए, आप लाल मिर्चा का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक प्याज लिया है क्वांटिटी के हिसाब से, वो भी फाइनली चॉप। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, और जो मसाले रहेंगे वो बिल्कुल वो एकदम घर वाले मसाले जो डेली होते हैं। जब प्याज आधा लाल हो जाएगा तो हम लोग ये सारा डाल देंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और जो इसका मसाला भी है, वही अदरक लहसुन जीरा धनिया सारा मसाला रहेगा। तो बहुत अच्छे से फ्राई करना है, ताकि कच्चापन चला जाए और एक नयापन आता है रोज़ के खाने में। तो मसालों में हल्दी है, नमक तो हम डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा टेस्ट करके, अगर कम लगे तो। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, फिर ये जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है। तो ये जब नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं बस। और ये ड्राई रहता है, ये पानी जैसा नहीं रहेगा, एक साफ की तरह ही है, तो इससे पानी ज़्यादा नहीं रहता है। बस मैंने टेस्ट किया, नमक कम है, तो थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं, और पानी भी बस इतना कि मसाला अच्छे से हम फ्राई करें। ये हो गया है, तो बस हमारा मसाला यही मसाला जाएगा, हम बस अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। और फिर कुछ आपका देखते देखते देखिएगा कि थोड़ा सा तेल भी चाहिए, अगर आप एकदम ही ड्राई करेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पानी देके हम लोग एक बॉईल करेंगे, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमारा सब्जी रेडी।